Hello friends, how are you? A very good morning to everyone. Just make me sure I'm audible. I'm audible to everyone. Good morning. I'm audible, friends. Okay, thank you. Very good morning to everyone. So, friends, today we would be taking up the current affairs basically of 30th of September. We would be covering. और इसके साथ ही साथ जैसे डेली आंसर राइटिंग का जो आपको करवा रहे हैं, डू कवर दैट ऑल्सो. आज से ज्योग्राफी का चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है. एंड फ्रॉम टुडे जीएस का भी कवर करेंगे और एक आधा कुछ और भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. इस मंथ, इस वीक में ऑलमोस्ट आपको एवरीथिंग विल बी इन पाइपलाइन, ताकि फर्स्ट एक दो दिन से वो टुडे का पूरा स्टार्ट हो जाए. सो द फोकस इज बेसिकली टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन 360 डिग्री वे की जो भी आपकी प्रेपरेशन है, दैट कैन बी देयर. द टॉपिक्स विच वुड बी कवर्ड इन टूडेज क्लास, काफ़ी थोड़ा सा लंबा न्यूज़ पेपर था. PIB में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी और द हिंदू में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी. आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द स्टेट कैन वाइप आउट ऑफ सेंट्रल लॉ. इस तरीके से बेसिकली इन द न्यूज़ की अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में, फार्मर्स के कंटेक्स्ट में लॉज पास करें और इनको बाईपास करना कैसे पॉसिबल है. वॉट आर बाई पोल्स एंड बाई इलेक्शंस, जहाँ जहाँ बाई पोल्स क्या होते हैं, बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइम में आपको करवाना पड़ता है, दैट वॉज देयर इन द हिंदू. ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी से नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का है वो, ज्योग्राफी ऑप्शन का. आज GS भी स्टार्ट हो जाएगा. इन्वेजिव स्पीशीज इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. इन्वायरमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में नहीं, प्री में स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन है, कौन सा इन्वेजिव स्पीशीज है, क्या नेगेटिव क्रिएट करता है. वी वुड बी कवरिंग इट. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, कॉजेज और सोल्यूशन क्या है. इकॉनमी में से व्हाट इज ESG फंड्स, बिग अब्रॉड एंड नाउ फाइंडिंग इंटरेस्ट इन इंडिया टू. बेसिकली इन द कंटेक्स की अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सोसाइटी की या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना है, सस्टेनेबल होना चाहिए, तो फंडिंग उसी जगह पे जाएगी, उसको ESG फंड्स बोलते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया एंड फोर्टिफिकेशन वर्सेस कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन. कन्वेंशनली हम फोर्टिफाई कैसे करते थे, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसिंग के टाइम के ऊपर. बायो फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफिकेशन जैसे बायो, हम बताएंगे कि मिनरल्स और विटामिन ऐड करने हैं इनिशियल फेज में. देन कैट क्यू वायरस फ्रॉम चाइना एंड डज इट अफेक्ट ह्यूमंस, इंडियन एक्सप्रेस में आया था. जीरो सर्विलेंस एनालिसिस, दैट वॉट द हिंदू में था. इंटरनेशनल रिलेशंस में गवर्नमेंट मूल्स, ऑस्ट्रेलियाज एंट्री इन टू मालाबार ड्रिल, मालाबार एक्सरसाइज, इंडो US जापान, अब ऑस्ट्रेलिया भी कंटेक्स में आ चुका है. गैवी कोवैक्स द हिंदू में था. NSO रिपोर्ट, द टाइम यूज़ इन इंडिया, किस तरीके से हम अपना टाइम यूज़ करते हैं पूरा दिन की पूरी एक्टिविटीज के कंटेक्स में. रूरल ओलंपिक्स, किला रायपुर की जो स्पोर्ट्स होती है, बेसिकली पीपल इन पंजाब दे नो अबाउट इट. इन द रीजन ऑफ लुधियाना काफ़ी बड़े लेवल पे ये रूरल ओलंपिक्स करवाई जाती है. एंड बकरी स्वयंवर, तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी वुड बी डूइंग इट राइट नाउ. आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन द स्टेट बाईपास अ लॉ. देयर आर 3 to 4 डिफरेंट थिंग्स आर देयर. देयर सेंट्रल लिस्ट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द लॉ. There is a state list on which the state government makes the law. There is a concurrent list in which both the central and the state, they have the power to make the law. Dono central aur state ke paas power hoti hai taki wo rule bana sake. Pehli baat. Dusri baat, agar state aur center ka law aapas mein contradict karta hai to center bhi chalegi. State aur concurrent ka karta hai to concurrent ki chalegi. तो कहने का मतलब कि देयर इज स्ट्रे सेंटर दैट इज कंपेरेटिवली मोर पावरफुल. जो लॉ सेंटर ने बना दिया वो मानना पड़ेगा स्टेट्स को भी, बट उसके लिए एक एक्सेप्शन बनाया गया है. एक्सेप्शन क्या है, अगर सेंटर ने कोई लॉ बना दिया है और स्टेट उसको मानने को तैयार नहीं है,
जैसे अभी रिसेंटली मंडीकरण हो रहा, अब जिसके फार्मर एजिटेशन चल रहा है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, अगर स्टेट ने कोई लॉ बना दिया है और सेंटर ने कोई लॉ बना दिया और स्टेट उसको मानने को तैयार नहीं है और स्टेट ने अपना लॉ बना दिया है कि हम नहीं आपके वाला लॉ मानेंगे, हम तो अपना लॉ मानेंगे, वॉइस रिफ्लेक्ट होगा। इसका यार क्या सलूशन है? इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ? अगर सेंटर ने लॉ बना दिया, स्टेट उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या किया? स्टेट अपना लॉ बनाएगा एंड इफ दैट लॉ इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट, तो उस स्टेट में वो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। अभी भी प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है? एनी वन कैन सजेस्ट कि इसका क्या सोल्यूशन है यार? Is it fine now? Fine, चलो वेरी गुड, ठीक है। अगर स्टेट ने कोई लॉ बना दिया और दैट लॉ इज बीइंग एक्सेप्टेबल बाय द प्रेसिडेंट, तो वहां पे स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, उस लॉ को भी सेंटर ओवररूल कर सकता है अगर उसके बाद दोबारा फिर सेंटर कोई लॉ बना दे। तो इसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल 254 है कि स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा सेंट्रल लॉ के ऊपर, अगर सेंटर और स्टेट का लॉ है, सेंटर का लॉ है, स्टेट सेंटर ने लॉ बना दिया एक सब्जेक्ट पे, उसी सब्जेक्ट पे स्टेट ने लॉ बना दिया, अगर स्टेट वाला लॉ प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो इस लॉ को मान लिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज आर्टिकल 254 जो भी न्यूज में है। देयर आर रिसेंटली 3 एग्रीकल्चरल लॉज, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस 2020 बिल, Essential Commodities Amendment Ordinance 2020 has recently been passed by using Article 254 of the Constitution. इसको recently भी पास किया गया है। Essentially, enable 254 article क्या है? Enable करता है the state to pass a law, कोई भी concurrent list में, अगर वो contradict करता है center के context में और president उसको assent कर दे। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने राजस्थान ये में किया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल लेबर लॉज, जिसको प्रेसिडेंट ने बाद में असेंट कर दिया था, किसका? फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, दैट वाज देयर। इसके कंटेक्स्ट में अब पंजाब में है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को अमेंड करने की बात चल रही है और कहा क्या जा रहा है कि हम पूरी की पूरी स्टेट को ही मंडी डिक्लेयर कर देंगे, आप कहीं पे भी बेच सकते हो। सर्कमस्टांस क्या होगा कि द लॉ जो भी पास किया उसको भी, द डिक्लेरेशन ऑफ मंडी इंश्योर करेगी दैट एनी प्रोक्योरमेंट आउटसाइड देयर एम्बिट, अगर मंडी के बाहर बाहर बाद कुछ भी खरीदा जा रहा है तो वो इलीगल हो जाएगा। फार्मर्स डू नॉट गेट अ प्राइस लेस देन MSP एंड स्टेट गेट इट्स मंडी फी। देखो देयर आर द लॉज विच आर बींग पास रिसेंटली, हाँ जी गुड मॉर्निंग, तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे मोदी साहब का ऊपर वाला हिस्सा गड़बड़ा रहा है, बेसिकली इन द कंटेक्स्ट की पूरी चेन को ही अगर फार्मर्स ही खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स एक बात को समझने की कोशिश करो, पंजाब हरियाणा में मंडीज है जिसकी वजह से फार्मर बचे पड़े हैं, दूसरी स्टेट्स में मंडीज नहीं है। आप एग्रीकल्चर का हाल देख सकते हो दूसरी स्टेट्स में क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, 2-3 साल पहले की बात है, द प्राइस दैट वॉज फिक्स्ड बाई अवर गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज अप्रॉक्सिमेटली 1200 something rupees MSP प्राइस, 1200 कुछ रुपए फिक्स किया गया था। इम्पोर्ट तो MSP पे फिक्स किया गया है, द अदर द पर्सन शुड बी परचेजिंग फ्रॉम इंडिया, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो वो क्या करते थे,
कि उन्होंने दे इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, जब बाहर से इम्पोर्ट करवा लिया और इम्पोर्ट करवाने के बाद भी पर क्विंटल आपको प्राइस क्या पड़ा था 900 रुपये, तो हमारा फार्मर कहाँ बेचेगा? अवर फार्मर इज फोर्स टू सेल एट लेस देन 800 रुपीज, क्यों? वो अपना इम्पोर्ट करवाने का कॉस्ट भी तो निकालेगा। अब ये बिल क्या कहता है कि हम MSP डिक्लेयर कर नहीं करें कुछ भी, एंड यू कैन बी परचेजिंग एट एनी प्राइस लेस देन MSP ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, थिंक इट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉटन पैदा करी, अब खाओगे तो है नहीं यार कॉटन को भी, हम नहीं सेल करेंगे, ठीक है, यू विल नॉट बी ईटिंग इट, कॉटन तो खा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस है आपका MSP है रुपीज, एग्जाम्पल 1465, दिस इज MSP दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब लेकिन दिस इज नो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है कि आपको इससे कम खरीद नहीं सकते। नाउ देर इज अंबानीज एंड अंबानी ही केम, ये बोलेगा मेरे को रुपीज 900 पे देना है तो दे दो, नहीं देना मत दो। अब फार्मर को पता है यार उसके पास जो क्रॉप पड़ी है अगर वो 900 रुपए पे नहीं बेचेगा तो क्या पूरे जीरो मिलेगा उसको, इट्स बेटर टू सेल इट 900, चलो 900 पे बेच दिया। अगले बार क्या किया, मेरे को 800 रुपए नहीं दोगे तो ठीक है, अरे गला घोट रहा है उसका यार। इट इज नॉट ओनली अबाउट द फार्मर्स, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से नहीं है कुछ, आपका बिजनेस आपके फादर साहब का, या फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेक्टर में है, अगर फार्मर इकोनॉमी में नहीं रहेगा या पूरे का पूरा बड़े लोगों के पास कर दी जाओगे, इट विल बी अ प्रॉब्लम। अब टुमारो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े द बिग लैंड्स विल बी परचेज्ड, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, आप इतने एकड़ पे पोटैटोज लगाओ, इतने एकड़ पे ये लगाओ, फाइन टोटली एग्री की बहुत बढ़िया, 10 साल के लिए बहुत बढ़िया चलेगा, बट आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द लाइन, जिस फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे परचेज करने के लिए कार्ड दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस वालों को एक कार्ड हो गए, आप अगर कुछ कपड़ा खरीदना है तो हमारे पास आ जाओ, इस कार्ड से खरीद कर सकते हो, अपने बच्चों को एजुकेशन देना तो इस कार्ड से फीस पे कर सकते हो। द होल कंट्रोल ऑफ द फार्मर एंड द इकोनॉमी, छोटे शॉपकीपर्स है, बनियाज है, सबकी इकोनॉमी का कंट्रोल इनके हाथ से लेके पूरे का पूरा बड़े सेक्टर को दिया जा रहा है, दैट विल बी कंपेरेटिवली वेरी मच डिजास्टर्स फॉर कंट्री लाइक इंडिया। तो प्रॉब्लम इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है अगर ये सेम थिंग कंटिन्यूड बाय द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। चलो आर्टिकल 254(2) आपको बता दिया है, आर्टिकल अप्लाइज ओनली व्हेन द स्टेट लॉज ऑन सब्जेक्ट व्हिच इज कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द नेशनल लॉ। नॉर्मली 254(1) क्या बोलता है कि सेंटर का लॉ प्रिवेट करेगा, लेकिन 252 उसका ऑपोजिट कर सकते हैं, रेस्ट इज सेम दैट हैज बीन एक्सप्लेन। व्हाट आर बाईपोल्स एंड बाई इलेक्शंस? रिसेंटली मध्य प्रदेश में इलेक्शंस टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर देयर, एंड अदर स्टेट्स में भी होने वाले थे, और वन सीट इज देयर इन बिहार। इलेक्शंस वर पेंडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और कोरोना वायरस के चक्कर में ये इसको पेंडेमिक के अटैक कर दिया था, और नाउ इलेक्शंस उसको करवाया जाएगा, बाईपोल्स करवाए जाएंगे। बाईपोल्स कब हो सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, और काफ़ी डिजास्ट्रस होने वाला है, और अभी शायद फ्रेंड्स इट्स नॉट दैट कुछ भी आपको बता रहे हैं, बट इट्स वेरी मच श्योर दैट जिस तरीके से द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयर, हाँ जी गुड मॉर्निंग, स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयर, उसी तरीके से कि जिस तरीके से इकॉनमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल स्ट्रक्चर जिस तरीके से देश में है, ये श्योर है कि द स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन पंजाब इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जब कोई भी बिल आया था तो इतने ज़्यादा लोग सड़कों के ऊपर नहीं थे जितने अभी रिसेंटली है। चलो बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाई इलेक्शंस, जब बाई पोल्स किसी भी वैकेंट सीट को फिल करने के लिए जनरल इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये बाई इलेक्शंस करवाए कब जाती है? जब इनकम्बेंट डाइज, या जो भी MLA MPO था डेथ हो जाती है, जहाँ रिजाइन कर देते हैं, इनकम्बेंट बिकम्स इनएलिजिबल टू कंटिन्यू, इनएलिजिबल बन जाएंगे, या इलेक्शन को आप इनवैलिडेट कर देते हो बेसिकली कि वो वोटिंग इरेगुलरिटी है। द कैंडिडेट विंस द सीट आफ्टर द पोल्स, एंड जो भी जीतेगा वो कंटिन्यू तब तक रहेगा टिल द लोकसभा असेंबली या इलेक्शन डिजॉल्व हो सकते हैं, या असेंबली या लोकसभा डिजॉल्व होगी। टाइम कितना है?
द टाइम लिमिट टू वाई पोल टू फिल वैकेंसी आइदर अ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली इज 6 months. जब सब वैकेंसी आ चुकी है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवानी पड़ेगी. लेकिन अगर असेंबली और स्टेट की बात हो रही है, दो अलग अलग असेंबली और लोकसभा की बात हो रही है, अगर रिमाइंडर टर्म 1 साल से कम है तो आपको जरूरत नहीं है. जहां इलेक्शन कमीशन कह दे, इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाई कर दे कि इस पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कोरोना वायरस है, इस पीरियड में इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हो. राज्यसभा के इलेक्शन पोस्टपोन किए हैं, बाई पोल सिविक बॉडी इलेक्शन सब पोस्टपोन किए हैं. लेकिन पंचायती राज का तब टाइम पीरियड हो रहा है, जब पंचायती राज की बात हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर इट्स प्री मेच्योर डिसोल्यूशन शेल कंटिन्यू टू फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड. लेकिन रिमाइंडर ऑफ द पीरियड इज लेस देन, अगर 6 महीने से कम है, वहां था 1 साल, यहाँ पे 6 महीने है, अगर 6 महीने से कम है तो यू डू नॉट नीड टू होल्ड द इलेक्शन एट दिस प्लेस. नेक्स्ट, पर्सन कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट. इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप उसको कर दोगे, तो विद इन 10 days ही मस्ट इंटीवेट ही वो क्या चाहता है, किस हाउस में वो काम करना चाहता है. If the sitting member of the one house, एक house में दूसरे house में elect हो चुका है, for example एक house का sitting member है दूसरे house में elect हो चुका है, लोकसभा के राज्यसभा, राज्यसभा पर लोकसभा कैसे भी हो सकता है, तो उसकी पहले जिस house में पहले member था वहाँ की seat उसकी चली जाएगी. Next, if a person is elected to 2 seats in the house, तो उसको बताना पड़ेगा कौन सी seat पे serve करना है और कौन सी seat छोड़नी है. अगर नहीं बताएगा तो दोनों की दोनों seat से हाथ धोना. बेसिकली बाई इलेक्शन के कंटेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए, पॉलिटिक में आपको सब कुछ फिक्र है. इन्वेजिव स्पीशीज, देयर इज गुड अमाउंट ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज दैट आर देयर. क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे भी उससे, जहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, देयर इज शिफ्टिंग और फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. नाउ रिसेंटली क्या न्यूज में था, द इन्वेजिव लटाना बुशेज फ्रॉम द फेमस सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अपरूटेड, उसको हटा दिया गया, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो चुका है उस ग्रास लैंड का और उस बायोडाइवर्सिटी को हम बचाने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं. लताना कैमरा अ थिकेस्ट थिकेट फॉर्मिंग श्रब हैज कवर्ड, काफ़ी लैंड उस सेंचुरी की कवर कर चुकी थी और इसकी वजह से क्या हो रहा था, इतने डेंस था ये, इसकी वजह से नेचुरल लाइट एंड न्यूट्रिशन फ्लोरा एंड फौना को इफेक्ट हो रहा था, नीचे तक नहीं आ पा रहा था. जब टॉक्सिक सब्सटेंस थे इसके फॉलिएज से एंड राइप बेरीज वहाँ पे थे, कंपेरेटिवली वो एनिमल्स भी इफेक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से नेचुरल ग्रोथ ऑफ द ग्रास और अदर छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ थी, उन जड़ी बूटियों और झाड़ियों की नेचुरल ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं था. हाँ डेफिनेटली, हाँ और कहा जा रहा है दोस्त, एक थोड़े से फ्रेंड ऑफ माइन ही बस परसों उससे बात हो रही थी मेरी, तो हम ऐसी डिस्कशन कर रहे थे, मैंने बोला और क्या चल रहा है, ही इज वर्किंग एट सम गुड प्लेस इन रिलायंस. ही सेड कि साहब 2035 तक के का टारगेट की फाइल साइन कर चुके हैं, नेक्स्ट विल बी 2036-2037 में हमने क्या अचीव करना, दैट इज व्हाट इज टू बी देयर. 2035 तक की वो प्लानिंग कर चुके हैं कि हम ऐसे ऐसे करके वी वांट टू मूव. और बहुत सारे स्टूडेंट जिसको प्री नहीं प्लान हो पाता, मेंस नहीं प्लान हो पाता, ट्रस्ट नहीं आ पाता, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, और ये लोग जो सक्सेस हो रहे हैं, कैसे भी समझो उनको, कैसे भी लेना चाहो, 2035 तक की प्लानिंग, 15 साल की प्लानिंग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, चाहे कोई भी सरकार आए, वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस, कि हमने ये तो मिनिमम अचीव करना ही करना है और मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं. तो इस वजह से कोशिश करो थोड़ा सा अच्छे लोगों, मतलब जो भी अपने फील्ड में सक्सेस है, किस तरीके से भी आप उसको देखना चाहो तो वो देखो और अपने आप को एनालाइज करके देखो. वह 1992 में रियो डी जेनेरियो में बोला गया था दैट बायोलॉजिकल इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स
सेकंड बिगेस्ट थ्रेट माना गया था एनवायरनमेंट को, ताकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जा सकता है जो इन्वेजिव स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स बस स्प्रेड हो गए हैं ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड. वीड्स लाइक हेप्टिस कैसियाटोरा एंड पार्थेमियम हैव ऑक्यूपाइड द फॉरेस्ट फ्लोर्स इन मेनी मेनी एरियाज ऑल्सो. इंडिया अकाउंट फॉर 8% ऑफ द डाइवर्सिटी एंड 2.4% ऑफ द लैंड एरिया. क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, फ्लड्स होने की वजह से, क्लाउड बर्स्ट एंड अदर थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, जिसके वजह से एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे इंडिया में नए नए हैबिटेट्स के कॉन्टेक्स्ट में. फॉर एग्जांपल, इन 2018 द फ्लड्स इन इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट डेंजरस फिशीज फ्लड्स आए थे केरला वाले में, केरला में, तो केरला में डेंजरस स्पीशीज ऑफ द फिशेज वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से द एग्जॉटिक स्पीशीज सच एज अरापेमा एंड एलिगेटर गार वर रिपोर्टेड टू बी कॉट बाय द रेजिडेंट्स आफ्टर द फ्लड. अब जब भी कोई एलियन स्पीशीज यहां पे आ जाता है, अवर ओन नेचुरल स्पीशीज आर देयर, दे आर अनेबल टू फॉर एग्जांपल डिफीट देम, कभी कभी बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है. द मेनी नेटिव स्पीशीज वर अफेक्टेड बाय द इन्वेजन ऑफ एग्जॉटिक फिश स्पीशीज सच एज नाइल तिलापिया, अफ्रीकन कैटफिश, thaipangas and common carp, they affected. Apart from the commercially important exotic species, ornamental fishes such as guppy, piraka and others have also been recorded in the rivers. Jiski wajah se kafi jyada problem ho gaya. Invasive species kya hota hai? Organisms hai jo ecological aur economic harm karti hain environment mein, jahan pe wo native nahi hote, jahan pe local nahi hote. Unke features kya hain? Pioneers possess characteristic features like pioneer species in varied landscape. Pioneer species होते हैं, tolerant होते हैं अलग अलग soil और weather condition को, general distribution बहुत general होती है, produces copious amount of seeds और बहुत ही ज़्यादा seeds produce करते हैं, बहुत ही ज़्यादा easily disperse हो जाते हैं, aggressively root system से grow करते हैं, जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, generation time है कम है, हाई डिस्पर्सल रेट फैलाव काफ़ी हो जाता है, लॉन्ग फ्लरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड लंबे टाइम तक फ्रूट्स रहते हैं, फ्लावर रहते हैं, ब्रॉड नेटिव रेंज एंड अबंडेंट इन द नेटिव रेंज ऑल्सो अवेलेबल हो जाते हैं. इन्वेजिव स्पीशीज आर लाइकली टू रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इन देयर निक्ले ऑल्सो अफेक्ट कर देता है. कॉमन इन्वेसिव स्पीशीज इन इंडिया आर कॉटन ग्रासेस एंड लटाना, पपाया मेली बग मैक्सिको और सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता है और अभी पाया जाता है असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु वाले रीजन से. कॉटन मेलीबग नेटिव है नॉर्थ अमेरिका का और डेक्कन रीजन में पाया जाता है. अमेजन सेलफिन कैटफिश है, कोलकाता वाले रीजन में पाई जाती है. अफ्रीकन एप्पल स्नेल बेसिकली स्पीशीज हैं, इन्वेजिव स्पीशीज हैं, अफ्रीका से अब अंडमान निकोबार वाले रीजन पर पाई जाती हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि इसका नेटिव कहाँ पे है. जीनस एसिडिक अकाउंट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर देयर, इन्वेजिव स्पीशीज हैं. ऑरेंज कप कोरल देयर आल्सो बीन देयर ईस्ट पैसिफिक रीजन में और अब पाई जाती है अंडमान निकोबार गल्फ एक्सेट्रा वाले रीजन पे. जब इन्वेजिव स्पीशीज की बात करते हैं, इट इज़ अ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 157 स्पीशीज ऑफ फौना हैज बीन आइडेंटिफाइड एज इन्वेजिव स्टेटस. 99 एक्वेटिक है और 58 जिसमें से टेरेस्ट्रियल है जमीन में. अफ्रीकन कैसे जो आपको अलग अलग इन्वेजिव स्पीशीज है कहाँ से क्या है वो आपको आपको नोट से देख लेना, बस पढ़ने वाला है. एयर पोल्यूशन इन दिल्ली कॉजेज एंड सॉल्यूशंस. हर साल की तरह अभी जैसे ही सर्दियाँ आ रही हैं, एज द विंटर्स आर कमिंग, तो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. इट इज़ कुछ का बात के लिए कहा जाता है कि जो पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप को बर रेजिड्यू क्रॉप का जो भी होता है उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं. जिसकी वजह से प्रॉब्लम है. अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू बर्न्ड इन द कंट्री आर रेजिड्यू फ्रॉम द राइस क्रॉप. पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान वाले रीजन में से. The effect of the stagnant atmospheric condition over Delhi, stagnant atmospheric conditions ही हो जाते हैं during the harvest season of the kharif, इस problem को और ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब होता है.
यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों होता है। तो इसका सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि यहाँ पे फार्मर्स करते, मल्टीपल रीजंस हम इसको करेंगे और कुछ सोल्यूशन भी बताएंगे। द एमिशन पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग डिपेंड्स ऑन कि किस ऑफ द टाइप ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू, कैसा रेसिड्यू है। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलेट मिशन 2.5 है फ्रॉम बर्निंग ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स रेसिड्यू, शुगर केन, मेज, कॉटन, राइस, वीट, टेरी एक्सेट्रा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है डायरेक्ट एंड प्रोहिबिट किया है एग्रीकल्चर रेजिड्यू को बर्न करने में, बर्न की बर्न मत करो, अगर बर्न करोगे तो पनिशमेंट विल ऑल्सो बी गिवन इन दैट रिगार्ड दैट हैज बीन सेड। द बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू इज अ क्राइम अंडर द सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी एंड ऑल्सो अंडर द एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 जिसके कंटेक्स्ट। A new central sector scheme on promotion of agriculture mechanism for in-situ management of the crop. कि फार्म में ही अपने क्रॉप को जो रेसिड्यू बचा है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके लिए भी है, इसके लिए स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म। इस स्कीम के अंडर द एग्रीकल्चर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर इन-सीटु क्रॉप रेसिड्यू आर प्रोवाइड, और उसको एग्रीकल्चर मशीन्स और इक्विपमेंट पे 50% सब्सिडी भी दी जाती है इंडिविजुअल फार्मर पे, और 80% सब्सिडी अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर्स अगर आप उसको लोगों को पैसे पे देने के लिए एस्टेब्लिश करोगे। तो वेंटिलेशन इंडेक्स, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द विंड स्पीड एंड मिक्सिंग हाइट, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी को बेसिकली सिग्निफिकेंट है इफेक्टिंग द दिल्ली एयर क्वालिटी। कुछ ग्राउंड बेस्ड इंटरवेंशन भी करने की कोशिश करी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स एज पार्टिकुलेट मैटर, कितना पॉल्यूटेंट कौन सा कितना है, फॉर एग्जाम्पल SO2 कितना, NO2 कितना, अदर पॉल्यूटेंट्स। जितना लोअर एयर क्वालिटी होगा मतलब उतनी ही एयर की क्वालिटी बढ़िया है। फार्म फायर्स आर देयर, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल डज अलाउ अप्लाई टू द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज ऑल्सो। अब कॉजेज क्या है दिल्ली में पोल्यूशन होने के, पहला चावल की फॉर एग्जाम्पल राइस स्टबल को उसको जब जला देते हैं तो उस टाइम पे हो जाता है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी। डस्ट पोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफ़ी है। व्हीकल्स का पोल्यूशन है वाहनों की वजह से। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में थाउजेंड ऑफ टन पर डे ऑफ द वेस्ट आर बर्न किया जाता है जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर और ऐड हो जाते हैं। इन विंटर स्कूल एयर कॉजेज इन्वर्जन, स्टेगनेंट एयर होती है और जिसकी वजह से पोल्यूशन को ट्रैप कर लेती है और क्लोज टू द ग्राउंड जिसकी वजह से यहाँ पे फॉग एंड धुंध टाइप स्मॉग काफ़ी हो जाते हैं। एयर फ्लो पैटर्न फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑल्सो पिक्स अप, वहाँ से आने लग जाते हैं एज दे मूव, और जैसे ही वो डेंसली अर्बनाइज रीजन पंजाब हरियाणा पे आ जाती है जहाँ पे फार्मर्स अपने स्ट्रॉ को बर्न कर रहे होते हैं तो पोल्यूशन ले आती है वो हवाएं जो दिल्ली तक पहुँचती हैं। प्री मानसून डस्ट स्टॉर्म भी होते हैं कहीं कहीं रीजन पे, इसकी वजह से पोल्यूशन इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि कॉजेज ऑफ दिल्ली पोल्यूशन की पॉल्यूशन क्यों है इतना, तो आपको 7-8 कॉज लिखने, सिर्फ स्टबल बर्निंग एयर पोल्यूशन नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कूल एयर कॉज इन्वर्जन, ये आपको ऐसे पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, और प्री मानसून डस्ट स्टॉर्म ऐसे पॉइंट्स भी हैं। नॉर्मली जब आप बुक्स पढ़ती हो तो ये 3-4 पॉइंट वो नहीं होते, बाकी 2-3 पॉइंट आप कॉमन आपको हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं। सोल्यूशन कैसा है इसी प्रॉब्लम का, हैप्पी सीडम ऑल्टरनेटिव है, एक मशीन है दैट कैन सो वीट विदाउट द नीड टू रिमूव द राइस स्टबल। आपको राइस स्टबल को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, उसको जलाने की जरूरत नहीं है, और सीड्स आप लगा पाओगे। कंस्ट्रक्शन साइट जो भी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे डस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, सेटअप किया जाए, अगर आप वायलेट करते हो परमिसिबल लिमिट से तो आपको फाइन लगेगा उसके ऊपर। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस को एक हफ्ता पहले हम पता लग सकता है, इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड अदर एरियाज ऑल्सो शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करवा दो, इंटर स्टेट का जो ट्रैफिक मूव हो रहा है उसको कम करवा दो, सिटी ट्रैफिक को
कम करवा दो ताकि, और जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑड इवन डेली में चलाया जाता है कई बार, ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स फॉर डेली एंड एनसीआर. फॉर एग्जाम्पल ये जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आप प्रिपेयर करते हो तो उसको अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, मॉडरेट एंड पुअर, वेरी पुअर, सिवियर एज पर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि नई कैटेगरी सिवियर प्लस और एमरजेंसी को भी ऐड किया गया है. न्यू कैटेगरी हैज बीन एडेड, सिवियर प्लस एमरजेंसी. एम्बिएंट 2.5 पर्टिक्यूलेट में 2.5 और 10 कंसंट्रेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 यूजी या फॉर एग्जाम्पल 500 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, और 48 आवर्स तक वो रहेगा उसके कंटेक्स में. अफ्रीका से हमें सीखना चाहिए that it is trying to build up what is called a green, great green wall initiative in creating a barriers of vegetation in vulnerable areas across the continent. क्या है green wall? इन आपको question पूछा जा सकता है कि किस कौन से country ने continent कर रहे हैं. 400 mile walls of the trees लगाई जाएगी across Sahel from Senegal to Djibouti. Senegal से लेके Djibouti तक पूरे का पूरा उसको 400 miles तक ग्रीन वॉल्स लगाई जाएंगी ताकि वहां से हम, और अफ्रीका के इनिशिएटिव से हम काफी ज्यादा सीख भी सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर ईएसजी फंड्स बिग अब्रॉड एंड नाउ फंडिंग इंटरेस्ट इन इंडिया. ईएसजी का मतलब फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी फंडिंग में, आप देख रहे हो कि आपको इन्वायरमेंट कितना इफेक्ट होगा आपकी इन्वेस्टमेंट से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोई जो भी किसको पैसा दे रहे हो वो ले रहा है कि नहीं ले रहा, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी प्रोवाइड कर रहोगे. जब भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया के म्यूचुअल इंडस्ट्री फंड्स में तो देखा जा रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट जो छोटे छोटे फंडिंग में जो किए जा रही है उसको हम कैसे बेनिफिट है, क्या वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है, क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं. फोकस इतना ज़्यादा क्यों है? बिकॉज अभी नए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मॉडर्न इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी री लुक दे रहे हैं, री एवेल्युएट कर रहे हैं जिस तरीके से पहले इन्वेस्टमेंट करी जा रही थी और जिस तरीके से अभी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है. सो दैट सोशल, एनवायरमेंटल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकें. क्यों? जब इंडिया में फोर्स किया जाएगा, इसको इन्फोर्स किया जाएगा तो बेटर गवर्नेंस आएगा, एथिकल प्रैक्टिसेस आएगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई कंपनी काम करेगी. कौन कौन सी कंपनी इसमें लूज करेगी? फॉर एग्जांपल टोबैको कंपनीज, फॉर एग्जांपल कोल बिजनेस वाली, या फॉर एग्जांपल हजारडियस वेस्ट जो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, उन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट लेना कंपेरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया एंड बायो फोर्टिफिकेशन एंड कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन. फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है? बिकॉज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है. न्यूट्रिशन लेवल, विटामिन, मिनरल्स आर कंपेरेटिवली वेरी लेस बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी ईट. जब उसी फूड में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, नए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाएंगे, उस डेफिशिएंसी को, जो भी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी, आप उसको कम कर सकते हैं उस क्रॉप में ही. फॉर एग्जांपल सीड्स में ही वैसा कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन. कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन जब प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐड कर दो, वो बोलते हैं कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन. अभी द रेगुलेटर हैज सेट दैट सेट स्टैंडर्ड फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ 5 कैटेगरी ऑफ द स्टेपल. व्हीट, फ्लोर, राइस को फोर्टिफाई करना आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से. मिल्क और एडिबल ऑयल को फोर्टिफाई करना है विटामिन ए और डी से. डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट होना चाहिए आयरन और आयोडीन से. अभी वॉलंटरली है. फूड फोर्टिफिकेशन के कंटेक्स्ट में इंडिया 102 नंबर पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स. इंडिया में काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है. फॉर एनीमिया होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी एक्सेट्रा. इंडियन डाइट्स आर कॉमनली डेफिशिएंट इन फॉर एग्जांपल आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी. ये हमें कंपेरेटिवली काफ़ी कमी है. इसी तरीके से फोर्टिफाई कर दिया जाता है सो दैट एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें और
उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिशिएंसी से और कौन सा डिजीज़ हो सकता है, जैसे विटामिन ई से विजन एंड आई डिसऑर्डर होता है, थायमिन से बेरी बेरी होता है, मसल वीकनेस होता है, वेस्टिंग होता है, नाइसिन से प्लेग्रा, दीज आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आर देयर जो डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड 90% हिली स्टेट्स के और 75% अदर स्टेट के, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट सेटअप। FSSAI ने स्टैंडर्ड रिलीज किया है फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, किसके साथ करना है, आयरन और आयोडीन के साथ, कि आपको फोर्टिफाई करना पड़ेगा। डिफरेंट अलग अलग सरकार जो स्कीम भी चला रही है, अलग अलग मिनिस्ट्री, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एंड दे कुछ डायरेक्टिव दिया है कि आपको मैंडेटिंग द यूज ऑफ डबल फोर्टिफाइड ऑयल, फोर्टिफाइड वेजिटेबल ऑयल, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, फोर्टिफाइड वीट फ्लोर, जो भी आप ICDS की स्कीम चला रहे हैं या मिड डे मील की स्कीम चला रहे हैं, वहाँ पे आपको फोर्टिफाइड वीट सॉल्ट और ऑयल फोर्टिफाइड ही देना पड़ेगा बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। फोर्टिफिकेशन का लोगो है, जैसे हमने पहले भी कवर किया है, प्लस एफ का, फाइव स्टेपल क्रॉप्स के लिए जो लगाया जाता है, पहले हम इसको करा चुके हैं कि दिस इज लोगो कि किसका है, कि आपकी जो भी स्टेपल फूड क्रॉप है वो उसको हमने फोर्टिफाई करके ही सील कर दिया। मधुबन गाजर बायो फोर्टिफाइड कैरेट है, करंटली कॉटरबेटी विद हाई बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट, जिसको अभी रिलीज किया गया। प्रोसेस होता है बायो फोर्टिफिकेशन, बेसिकली जहाँ पे प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड क्रॉप इज इम्प्रूव्ड थ्रू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट से एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को हम बेटर करते हैं। इट इज़ डिफरेंट बिकॉज बायोफोर्टिफिकेशन एम टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट लेवल इन द प्लांट ड्यूरिंग द ग्रोथ रेदर देन द मैनुअल मीन, जब हम प्रोसेसिंग से करते हैं। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, बेसिकली डाइटरी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अपनी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। आपको यह पता होना चाहिए विटामिन ए से हेल्प्स अगेंस्ट नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन्स के कंटेक्स्ट में, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड अदर्स, आपको पूरा पता होना चाहिए। दन शक्ति इज द फर्स्ट आयरन रिच पर्ल मिलेट, 2012 में महाराष्ट्र ने रिलीज किया गया था और फिर 2013 से अक्रॉस इंडिया। अलग अलग आपको जिंक जैसे हो गया, पर्टिकुलरली हार्मफुल एज जिंक डेफिशिएंसी हार्मफुल है बिकॉज मेन रोल प्ले करती है, इट इज सेकेंड ओनली टू आयरन इन इट्स कंसंट्रेशन इन द बॉडी, इट इज फाउंड इन द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, इट इज नीडेड फॉर बॉडीज इम्यून सिस्टम टू वर्क कंपेरेटिवली प्रॉपरली। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए भी कौन रोल क्या है इसका, सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ में, वूंड जो जख्म हो चुका है उसको गाव को भरने के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैट क्यू वायरस फ्रॉम चाइना, बेसिकली द प्रेजेंस, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस कैट क्यू वायरस इन टू ह्यूमन सेरम सैंपल्स, वो जिसको अभी टेस्टिफाई किया गया, बेसिकली रिपोर्टेड है द प्रेजेंस हैज बीन रिपोर्टेड इन द क्विलेक्स, रिपोर्टेड इन द क्विलेक्स मॉस्किटो इन चाइना एंड पिग्स इन वियतनाम ऑल्सो। आपको पता भी ये वायरस कहाँ से आया है, दैट्स व्हाट इशू चाइना। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, बिकॉज न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज का आगे पीछे का नहीं दिया होता तो वो करना, लेकिन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करोगे आपका मेंस और प्री दोनों की तैयारी अभी से अच्छी हो जाएगी, नहीं तो फिर लास्ट टाइम पे करोगे तो ना ही इतना कवर हो पाता है और फिर प्रॉब्लम ही रहती है। सीरो सर्विलेंस एनालिसिस, सर बेसिकली अबाउट 7% ऑफ इंडियन एडल्ट्स दे आर एक्सपोज टू द नोवल कोरोना वायरस, ये हमें लिखा है, तो उसके सर्विलेंस से पता लगा है कि अप्रॉक्सीमेटली 7% लोग तो इस कोरोना वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं, और कुछ न्यूज़ मिलता है इसमें। एक
एंटीजन्स के। एंटीजन क्या होता है? इट इज बेसिकली अ प्रोटीन विच अवर अम्यून सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज। मेजॉरिटी ऑफ द एंटीजन्स आर प्रोटीन, बट कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। एनी एंटीजन दैट इज फॉरन टू अवर अम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड बाई एन एंटीबॉडी। जो फॉर्म होगा एंटीबॉडी क्या है, और अटैक मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज आर अटैक मॉलिक्यूल्स, अवर दे आर अटैकिंग द मॉलिक्यूल्स बेसिकली अवर द अम्यून सिस्टम इज बींग अटैक्ट, मेक देम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरन थिंग्स। हर में जो भी बाहर से फॉरन थिंग्स से आपको बॉडी इफेक्ट हो सकती है उसके आपको बचाने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट मुल्स ऑस्ट्रेलिया एंट्री इन टू द मालावा ड्रिल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिस्कस किया द इशू इन्वाइटिंग ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ओवर द ट्राइलेटरल मालाबार एक्सरसाइज जो ऑलरेडी चल रही है इंडिया, जापान और यूएस के कंटेक्स्ट में। इसके लिए डीपर नेवीज हैं इन्वॉल्व करती है इंडिया, यूएस और जापान के नेवीज, एंड इज एम्ड सो दैट वी शुड बी हैविंग द बेटर मिलिट्री टाइज बिटवीन दीज नेशंस। इनिशिएट हुई थी 1992 में यूएस और इंडिया की कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट गैवी कोवैक्स इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन्वॉल्विंग WHO एंड इट्स कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, कि हम किस तरीके से एपिडेमिक के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबल वैक्सीन के कंटेक्स में, कि जो भी कोरोना वायरस के चक्कर में कोई वैक्सीन डेवलप हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है एंड पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की डेडिकेटेड विद द कंटेक्स्ट, कि हम पूरे के पूरे सभी के लिए टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन सभी का करवाया जा सकता है। NSO रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया, बेसिकली ये फ्री का तो नहीं, आपको इसको थोड़ा सा ऐसी पता होना चाहिए कि टाइम यूज सर्वे है क्या। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय द पीपल, और उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है, बस इसको बोलते हैं टाइम यूज सर्वे और कुछ नहीं। और उसके कंटेक्स्ट में कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वीमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज दैट आर बीइंग अंडरटेकन। रूरल ओलंपिक्स किला रायपुर के स्पोर्ट्स में बोला जाता है, किला रायपुर में रूरल गांव के लेवल के ऊपर पर बहुत बड़े लेवल पे होता है ये ओलंपिक्स, जहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करी जाती है। लुधियाना के पास डिस्ट्रिक्ट के पास एक विलेज में ही करवाया जाता है। डिफरेंट बुलक्स आर देयर, म्यूल्स आर देयर, कैमल्स आर देयर, डॉग्स आर देयर, इंडियन रूरल कल्चर इज बींग रिफ्लेक्टेड, अलग अलग जेंडर से अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल त्रिंजन, जहाँ पे वुमेन इकट्ठी होती हैं और वो द लेडीज दे पार्टिसिपेट एंड दे सिंग द सॉन्ग अदर थिंग्स। रूरल स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल गिल्ली डंडा, लुकन मिट्टी, हाइड एंड सीक, रस्सा काशी, टग ऑफ वॉर, अलग अलग स्पोर्ट्स वहाँ पे वो करवाए जाते हैं। कबड्डी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, हॉकी, एक्रोबेटिक, सब कुछ करवाए जाते हैं। लास्ट इज बकरी स्वयं। कुछ गांव हैं इन उत्तराखंड रीजन, एरियाज दैट आर इनफर्टाइल और अनइरीगेटेड, दे आर ट्राइंग टू मेक अप दे लोकल इकोनमीज और अपने आप को लाइव वाइबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली इन द रिगार्ड कि कुछ ना कुछ गोट को करने हैं। गोट फार आउट नंबर द शीप्स दैट आर यूज्ड। ग्रीन पीपल एन एनजीओ होल्ड्स बकरी स्वयंवर देयर सिग्नेचर इवेंट टू हेल्प ताकि हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ गोट पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। एफर्ट क्या है, टू एलिवेट द इंडिजिनस इंडियन वॉन्ट देम रिसेंटली द अवार्ड, इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, जिसमें इसको रिफ्लेक्ट भी किया। तो ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए थे द न्यूज़पेपर ऑफ 30th September जो हमने कवर किया, इसको एक बार रिवाइज करो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में है, प्री में आपको पूछा जा सकता है आर्टिकल 54 या बाईपोल इलेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऐसे। तो जैसे जैसे कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको साथ में ही कवर अप करते रहो,
डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट की मैं बाद में वीडियो सुन लूंगा, वीडियोस बाद में कभी नहीं सुनी जाएगी, मैं बाद में नोट्स प्रिंट आउट लेके पढ़ लूंगा, जब पढ़ लूंगी वो कभी नहीं होगा। अभी नहीं किया बाद में कैसे करोगे यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो आपका हमने भी स्ट्रीमलाइन कर दिया है अब रेगुलर होने होता रहेगा, कोशिश करें कि छुट्टी ना हो, 5 दिन तो मिनिमम हफ्ते में करेंगे ही करेंगे, और उसके कंटेक्स्ट में आपको जो भी बैकलॉग है वो सब कुछ ख़त्म करवाया जाएगा कैसे ना कैसे करके, और उसको जो भी रेलिवेंट चल रहा है उसको भी करवाया जाएगा। तो कोशिश करो कि ऐसा कोई बैकलॉग ना हो और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो। थैंक यू वेरी मच।